गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 27 जनवरी 2023। तो कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, देश का 74वां गणतंत्र दिवस स्कूल में सेलिब्रेट किया गया। फिर फिजियोथेरेपी क्लिनिक में समोसा खा के भी सेलिब्रेट किया गया। फिलहाल नहाकर हो गए हम रेडी एंड जा रहे हैं स्कूल। नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते में पियेंगे हल्दी वाला दूध एंड बिस्किट। तो पूजा वूजा हो गई है, जय भगवान जी, पूजा हो गई है। बस आप रेडी होते हैं, 8:50 हो गए हैं। जय बाबा जी। तो बस नहा लिए, बस अब नाश्ता करना है। नाश्ता लगा हुआ है टेबल पे, और दूध पीते हैं, निकलते हैं रेडी होते हैं, क्योंकि आज प्रैक्टिकल है फिजिक्स का एंड एलिमेंट्स ऑफ साइंस, फसल उत्पादन एंड इनका कोई है यार सब्जेक्ट, फसल उत्पादन और एक सब्जेक्ट कोई एग्रीकल्चर का, तीन उनके तीनों सब्जेक्ट के चार प्रैक्टिकल हैं। तो जैसा भी होगा देखेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, नाश्ता करते हैं। ये नाश्ता दोस्तों, हल्दी वाला दूध, नमकीन दे दिए और ये बिस्किट्स। ये मम्मा जी रसोई में काम कर रहे हैं, तो अब मैं नाश्ता करता हूँ फटाफट। मीठू मीठू चलो निकलते हैं स्कूल। बढ़िया, रेडी हो गए हैं, घर से निकल गए हैं, 9:20 हो रहे हैं। तो आज जयपुर मोड़ से जाके बस पकड़ लेंगे। तो बच्ची का फ़ोन आया था, प्रैक्टिकल पेपर हाँ बता दिया आज है, तो सब वो टाइम से पहुंचने बोल दिए, क्योंकि रिटेल के भी बच्चे, साइंस के भी हैं उसमें, तो बच्चे फ़ोन कर रहे थे तो उनको बता दिया टाइम से पहुँच जाओ। तो अब हम भी अब निकलते हैं, बस पकड़ते हैं अपनी पायल की बस और निकलते हैं करम भूमि चपका। अम्मा जी और बुआ जी आज सुबह से सफाई अभियान में, और ये मम्मा जी। चलो चलते हैं भाई। 30 पहुँचते हुए दोस्तों वृंदावन लोन की तरफ। अब बस यहाँ से जाएंगे जयपुर मोड़। तो ये आ गया वृंदावन लोन और इस तरफ जयपुर मोड़। तो हम चलते हैं जयपुर मोड़ की तरफ दोस्तों। इसी बहाने 1 किलोमीटर चलना हो जाएगा। तो ये NH30 जयपुर मोड़, फिलहाल चलते हैं इस तरफ जयपुर मोड़ से फिर वापस जा रहे हैं वृंदावन लॉन की तरफ। थोड़ा सा टाइम है तो सोचे वॉकिंग कर लेते हैं, तो वृंदावन लॉन के पास से ही बस पकड़ लेंगे, क्योंकि अब टाइम हो जाएगा वहाँ पहुँचते तक। 9:32 हो रहे हैं, 3 मिनट में बस आएगी। तो ये वृंदावन लॉन के पास हम पहुँच गए, बस यहाँ पर वेट करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। NH30 पहुंच गए हैं दोस्तों और बस का इंतज़ार पायल की बस। तो यहाँ पर 4 यात्री ऑलरेडी हैं, 2 यात्री और शायद हाँ टीचर सीट में उन लोग भी, तो बस्तर और शायद बस्तर के हैं दोनों एम्प्लॉई। तो मैं भी यहीं आ गया हूँ फिलहाल चलते हुए, अब बस आने वाली होगी, टाइम हो गया। तो यहाँ से बस पकड़ते और निकलते हैं कर्म भूमि चपका। तो अच्छी खासी वॉकिंग हो गई सुबह ही, 1.5-2 किलोमीटर की, बचा कुचा जो है कोटा शाम को कर लेंगे। तो किश्तों में ही चल रही है वॉकिंग, पता नहीं कब एक ट्रैक में वापस आ पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बस का इंतज़ार करते हुए वृंदावन लॉन के पास। ये वृंदावन लॉन का रास्ता। तो ये भाई चूल्हे का खाना, मध्यान्ह भोजन, बहुत टेस्ट। हमारा पेपर हो गया, निपट गया। अब एक्सटर्नल लोग खाने के समय एक्सटर्नल बैठे नीचे और हम लोग बैठे एकदम VIP डाइनिंग टेबल में, मैं और मेरा बिल्डर भाई हिमांशु। तो हिमांशु अब मेरे को स्कूल में डेली वीडियो में दिखेगा मेरे, तब जब डेली दिखना चालू हो जाएगा ना, तो देखना ऑटोमेटिक वो बोलना चालू कर देगा। तो हिमांशु कैसा रहा आज का दिन तेरा? जबरदस्त था ना, काम भरा था पूरा, काफी पूरा एकदम यार, बहुत ज्यादा मतलब 4 प्रैक्टिकल पड़ गए ना यार, एकदम हौज बोझ हो गया। भाई भी सुबह से सिर्फ प्रिंट मतलब टाइप कर रहा है, प्रिंट निकाल रहा है, टाइप कर रहा है, प्रिंट निकाल रहा है। मेरा भी वही था, बस नंबरिंग चढ़ाना, प्रिंट निकालना, यही सब चल रहा था। 4:45 हो गए, काफी लेट हो गया यार। तो मेरे ख्याल से तो महिंद्रा की बस भी निकल जाएगी, मनीष की बस अगर मैं पकड़ लिया 4:20 तक, 4:15 तक, तो मेरा काम हो जाएगा। तो फिलहाल गए हैं दीदी लोग खाना खाने, भाई हमारा खाएगा, हम खाएंगे पनीर। तो खाना खाते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। खाना आ गया, सैलेड, पापड़, पूड़ी, रायता, पनीर की सब्जी, पनीर चिली। भैया आपका नाम? बुद्धूराम। और ये अपना हिमांशु भाई, देखो हिमांशु भाई कैसा है खाना यार, एक नंबर बना है यार, पूरा ये सैलेड बहुत टेस्टी। तो ये सैलेड अब फिलहाल खाना खाते हैं फटाफट, और भाग पनीर चिली।
बहुत टेस्टी बनाया मैडम लोग खाना। ठीक है, क्लिनिक ले जाते हुए दोस्तों ये दीदी का गाड़ी खड़ा हुआ है, कार, उनकी कार, और ये दीदी की कार, और वो हमारा क्लिनिक। तो ये आ गया हमारा क्लिनिक, फिजियोथेरेपी क्लिनिक पहुंच गए हैं, और दीदी के यहाँ फिर से पिज्जा पार्टी हो रही है। आज लेट हो गया मुझे, 5:20 हो गया यार आने में, क्योंकि प्रैक्टिकल था, 4 सब्जेक्ट के, तो 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल निपटा। ये देखो रुखसार दीदी आज फिर पिज्जा पार्टी दे रही है, और पूरा एक पूरा गोल घेरा है, तो दीदी पूरा सजा दे रही है देखो पिज्जा को पूरा। एक तो दीदी खिला रही है, और दीदी को ही बोल रहा हूँ कि पूरा सॉस डाल दो, उसका मसाला डाल दो, तो दीदी सब चीज कर रही है देखो पूरा। ऐसे डॉक्टर कहीं मिलेंगे नहीं जगदलपुर में भाई, क्या आप अपना इलाज भी करवाने आओ, पूरा मोबिलाइजेशन करवाओ, शरीर को थेरेपी कराओ, और पिज्जा खाओ, करने से पहले खा लो ताकि ताकत लग जाए, उसके बाद बढ़िया आराम करो। और हाँ, लिखा दिख रही है आप लोग को ये दीदी, ये इनको दीदी मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ने बोलती है, ये पूरा खींच देती है भाई पकड़ के। मैं चाहती हूँ आप जल्दी से जल्दी, हाँ ऐसा, और पिज्जा नहीं खाओ, बोले जल्दी ठीक हो गए निकलो, नौ तो क्या पिज्जा खा नहीं दीदी, पिज्जा लाओगे मेरे को बुलाओगे ना दीदी? हाँ देखो ठीक होने के बाद भी आ जाऊंगा। तो ये मेरा पैर को बहुत मोड़ती है दीदी, फटेहाल स्पीड से मोड़ देती है, तो सच गया है पिज्जा भाई। देखो इसका उस दिन का पिज्जा का मैं फोटो दिखाऊं चुके हैं घर, दीदी ने घर वहाँ छोड़ दिया चांदनी चौक, फिर मले को बुला लिया कोतवाली थाना के पास से, वहाँ तक पैदल आ गए थे, फिर मले आ गया था वहाँ से छोड़ दिया उसने घर, और आज काफ़ी पेट भर गया है यार। सुबह मध्याह्न भोजन देसी काले चने आलू की सब्जी चावल, फिर दोपहर में याद ही नहीं था प्रैक्टिकल, यहाँ से बोल के निकले और वहाँ भूल गए, तो वहाँ भी पनीर चिली, पनीर की सब्जी, चावल पूड़ी, एंड देन शाम को फिर रुखसार दीदी के यहाँ पिज़्ज़ा पार्टी। फ़ोन करी थी स्पेशली, कहाँ है भाई पिज़्ज़ा आ गया है, पिज़्ज़ा लाई हूँ मैं, लदी मेरे को टाइम लगेगा, आप लोग खाओ, तो मैं खा लिया, मेरा तो पेट काफ़ी फुल हो गया है, बहुत ज़्यादा भर गया है। तो मम्मा जी और बुआ जी खाए डिनर, मैंने खाया नहीं, अब मैं करूँगा आराम, और मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले शंकर। ये मम्मा जी का ही पानी भर गया ना, तो बंद करने के लिए मिलते हैं हम न्यू वीडियो के साथ।